होंडा कंपनी ने इंडिया में होंडा फोर्जा 350 का डिजाइन इंडिया में पेटेंट कराया है, जिससे कि आप उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले समय में होंडा कंपनी अपनी मैक्सी सेगमेंट में स्कूटर लॉन्च करने वाली है। लेकिन एक जानकारी आपको और भी देते हैं कि ये पहली बार नहीं है, होंडा कंपनी इसके पहले भी कई बार इंडिया में अपने मैक्सी स्कूटर को पेटेंट कराया है, लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है। तो इससे अभी ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, लेकिन जरूर कंपनी कुछ कदम उठा रही है तो लॉन्च कर भी सकती है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि पहले तक मैक्सी स्कूटर का इंडिया में डिमांड नहीं था, लेकिन इस समय मैक्सी स्कूटर का डिमांड काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि BMW भी अपनी मैक्सी स्कूटर बेचती है, कुछ टाइम पहले लॉन्च की थी यामाहा कंपनी, और सुजुकी कंपनी तो सबसे पहले से बेच रही है। तो ये आपको मैक्सी स्कूटर का मार्केट काफ़ी बड़ा इंडियन मार्केट में, ऐसे में होंडा फोर्जा को भी लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन होंडा फोर्जा में ऐसा क्या आपको देखने को मिल जाता है कि इसकी डिमांड इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है? सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिज़ाइनिंग की, तो डिज़ाइनिंग काफ़ी बेहतर है, और इंडिया में जो इसकी डिज़ाइनिंग फाइल्ड की गई है वो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। इसके अलावा स्पेक्स की अगर बात करें तो इसमें 330cc का इंजन लगा हुआ है, जो कि लिक्विड कूलिंग के साथ आती है, साथ ही 28.8 BHP का पावर और 31.5 Nm का टॉर्क भी जनरेट करती है। और इतना ही नहीं, इसमें आपको डुअल चैनल का ABS भी मिल जाता है। तो फीचर्स तो आपको काफ़ी सारे इसमें मिलने वाले हैं, क्योंकि प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है 350cc में ये स्कूटर अगर आती है। लेकिन अगर होंडा कंपनी अपनी ये स्कूटर ला देती है तो इसकी डिमांड इंडिया में काफ़ी ज़्यादा होगा, क्योंकि होंडा के स्कूटर्स ऑलरेडी एक्टिवा सेगमेंट में काफ़ी अच्छी मात्रा में बेची जाती है। तो कहीं ना कहीं जो मैक्सी सेगमेंट में भी आएगी उसकी डिज़ाइनिंग और लोग उससे ज़्यादा पसंद भी करना चाहेंगे। तो क्या आप भी चाहते हैं कि होंडा कंपनी होंडा फोर्जा 350 को इंडिया मार्केट में लॉन्च करना चाहिए? तो कमेंट बॉक्स बता सकते हैं। अभी तो फिलहाल केवल इसका डिज़ाइन इंडिया में फाइल्ड किया गया है, लेकिन अभी 15 मार्च को कंपनी अपने 100cc में एक नई बाइक लॉन्च करने वाली है। तो ये तो टीजर आ चुका है, आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। तो मेरे को तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।